दोस्तों अक्सर का हमने कई बार देखा कि हमारे कार में एम्पलीफायर जो यूज़ होते हैं, 4 चैनल 2 चैनल, तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। देखो ये हमारे पास एम्पलीफायर खुला हुआ है, यहाँ रेड लाइट यानी प्रोटेक्ट मोड लिखा जाता है, तो अभी मैंने एम्प खोला हुआ है तो हमारे पास भी एक प्रॉब्लम आई थी, जहाँ हमारे रेड लाइट का इंडिकेटर लगा हुआ है तो इसमें बेसिकली रेड लाइट का रेड लाइट ब्लिंक करने लग गई थी। तो रेड लाइट ब्लिंक करने के कई रीज़न होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली रेड लाइट ब्लिंक तभी करता कि हमारा प्रोटेक्ट मोड में चले जाता है। प्रोटेक्ट मोड में एक सेंस की उस टाइम हमारा एम्पलीफायर काम करना बंद कर जाता है, तो जब तक ये प्रोटेक्ट मोड नहीं हटता, आगे ग्रीन लाइट नहीं आती, तो हमारा ये एम्पलीफायर काम करना स्टार्ट नहीं होता। तो इसको प्रोटेक्ट मोड में कैसे हटाना है ये आपको मैं पहले, तो इसमें दो तीन आपको मैं जो इसके थ्योरी है, फंडे हैं, वो बताऊंगा आपको, आप बहुत इजी इसको सोल्व कर सकते हो। क्योंकि एक तो इसमें रेड लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है, एक हमारे प्रोटेक्शन मोड की प्रॉब्लम आ जाती है, और एक हमारी ओवर हीट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहले रेड लाइट की मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, रेड लाइट प्रोटेक्ट में जाने का पहला रीज़न क्या होता है, क्योंकि ये तो हमारा बक कन्वर्टर सप्लाई बनी है, जिससे हमारे 12 वोल्ट से 0 26 वोल्ट बनते हैं। और ये हमारे, मैंने पहली वीडियो में सारा इसकी बक कन्वर्टर के बारे में बताया ये कैसे काम करता है। तो ये हमारे तीन पेयर ऐसे लगे हैं, तीन पेयर हैं, ये बेसिकली NPN MOSFET है, IRF44 या IR48, IR55 भी होते हैं वैसे, इसमें IRF44 लगे हुए हैं। तो ये बक कन्वर्टर में यूज़ होते हैं, और ये भी ख़राब, ये भी आपको चेक करने पड़ते हैं, और बेसिकली ये ड्राइव में इसकी जो बक कन्वर्टर की IC लगा वो भी चेक करना पड़ता है। और दूसरा इसमें प्रोटेक्शन मोड में इसमें 4558 IC लगा हुआ है, ये 4558 अलग अलग सर्किट में अलग अलग तरह काम करता है, पर इसमें ये प्रोटेक्शन में लगाया हुआ है, ये भी शॉर्ट हो सकता है, या हमारे ये ब्रिज डायोड बने हुए हैं DC बनाने के लिए, AC से DC बनते हैं, तो ये भी हमारे ख़राब हो सकता है। तो ये तो मैंने सिर्फ थोड़ा कॉमन सा बताया कि क्या चीज़ ख़राब हो सकती है, आप इस अगर कोई शॉर्टेज होगी तभी आपका आगे रेड लाइट प्रोटेक्शन में आएगा एम्पलीफायर। तो ज़्यादातर इसमें ये तो थोड़ा कम फाट आता है, इसमें बक कन्वर्टर में ज़्यादातर फाट आता है, जितने भी एम्पलीफायर देखोगे 2 चैनल या 4 चैनल, उसमें कॉमन सी एक ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, जहाँ हमारे ये पेयर बीच में बने हुए हैं NPN और PNP, NP और PNP, ये 4 चैनल का ऐप है, NPN और PNP, NPN PNP। तो बेसिकली ये कोई एक पेयर शॉर्ट होने के चक्कर में ये हमारा फॉल्ट आता है बेसिकली। जब भी कोई एक पेयर शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा रेड लाइट आगे ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा, और एम्पलीफायर सेफ हो जाएगा और आगे काम करना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने यही देखना अपना कोई पेयर आपका शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये जो ट्रांसटर लगे हैं या ड्राइव में या IC लगा हुआ है, ये ट्रांसटर लगे हैं कंपलिंग में, ये ड्राइवर लगे हुए हैं, ये बहुत कम खराब निकलते हैं। जब भी खराब निकलेगा आपका ये पेयर है, और या ये पेयर है, या पेयर के आगे ये ड्राइव में जो ट्रांसटर लगे हैं NPN और PNP, ये खराब निकलते हैं। और जो हमारा आगे ऑडियो सर्किट बोर्ड है, जिसमें ज़्यादातर ऑडियो सर्किट बोर्ड में कोई ज़्यादा फॉल्ट नहीं आता बेसिकली, इसमें क्यों ये टोन ही ज़्यादातर ख़राब होती हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको रेड लाइट ब्लिंकिंग का। तो अगर आपका बेसिकली अगर प्रोटेक्शन मोड से बाहर ना निकले, रेड लाइट में ही रहे, अगर शॉर्ट सर्किट भी आगे निकल जाए, तो आपने उसका मैं आपको बता दूँ, ये थर्मोस्टेट ओवर हीट सेंस करने के लिए 4558 IC लगाया हुआ इन्होंने, ये आपने IC निकाल देना। बिना IC भी ये ऐप चला सकते हो, क्योंकि ये प्रोटेक्शन मोड के लिए होता है। तो कई बार हमने ये IC भी निकाल दिया हुआ है तो हमारा प्रोटेक्शन मोड हट जाता है। तो कहने का मतलब है ये IC निकाल दोगे तो आपका प्रोटेक्शन मोड हट जाएगा। तो ये तो आगे एक दूसरा फॉल्ट आता है इसमें, ओवर हीट की प्रॉब्लम। कई बार ये जो हमारे एम्पलीफायर हैं ओवर हीट होने लग जाते हैं, तो ओवर हीट में आप क्या कर सकते हो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये जितने हमारे कई एम्पलीफायर होते हैं, MOSFET वाले होते हैं, कई ट्रांसटर वाले होते हैं, ये होता क्या, कोई ना कोई आपका MOSFET या ट्रांजिस्टर खराब होने के चक्कर में ओवर हीट की प्रॉब्लम आ जाती है।
तो ज़्यादातर इसमें जो प्रॉब्लम ओवर हीट की प्रॉब्लम आ जाती है, ओवर हीट की प्रॉब्लम में भी आपने यही मॉस्फेट चेक करने हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमने जितनी बार ये फॉल्ट निकाला है रेड लाइट ब्लिंकिंग में, जहाँ तो हमारे मॉस्फेट खराब निकलते हैं या हमारे ट्रांसिस्टर खराब निकलते हैं, क्योंकि इसमें कई कई एम्पलीफायर में या इसकी जब एनपीएन पीएनपी जगह एनपीएनपीएनपी मॉस्फेट लगे होते हैं तो कईयों में ये ट्रांसिस्टर लगे होते हैं, तो यानी ये पेयर बना होता है। तो ये ज़्यादातर इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम आती है रेड लाइट ब्लिंकिंग की या ओवर हीट की या प्रोटेक्ट मोड को कैसे हटाना है, ये तीनों फंडे मैंने आपको अभी अब इस जो एम्पलीफायर हमारे पास आए हैं बताया। तो आप बहुत कभी आपके पास प्रॉब्लम एम्पलीफायर के रिगार्डिंग आए तो आप बहुत इसको इजी जैसे मैंने बताया ऐसे चेक करके, आप बहुत इसको चेक करके इसकी प्रोटेक्ट मोड से बाहर निकाल सकते हो, वो जो शॉर्ट सर्किट है वो आप बीच में हटा भी सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।